दिल्ली गिरोहिणी इलाके में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी लुटेरों ने। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। 58 साल के रघुराम अय्यर रोहिणी सेक्टर 3 के ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रविवार की सुबह वो अपने पड़ोसी के साथ अपार्टमेंट के बाहर गेट पर बैठे थे, तभी अचानक वहां एक सफेद रंग की स्कूटी पर दो बदमाश आए, जिनमें से एक ने बंदूक दिखाकर उन्हें अपार्टमेंट में ले गए और पीड़ित से उनकी गेट के अंदर खींच लिया है। और हम क्षमा चाहेंगे, दरअसल ये घायल हुए हैं। देखिए, गोली उन पर चलाई गई है। और यही नहीं, 58 वर्षीय रघुराम ने भी पूरा साहस दिखाते हुए वो बंदूक से नहीं घबराया और प्लास्टिक की कुर्सी से बदमाश को धकेलकर बहादुरी के साथ डटकर मुकाबला करते रहे। इस दौरान उनके 88 साल के बुजुर्ग पड़ोसी बदमाशों को समझाते रहे और बीच बचाव करते रहे। इसके बाद बदमाश ने रघुराम पर गोली चला दी जो कि उनकी सीने में जा लगी। इसके बाद वो खुद किसी के साथ बाइक पर बैठकर अस्पताल पहुंच गए। वो घायल हो गए, हम आपको बता दें, हम स्पष्ट कर दें कि वो दरअसल घायल हुए हैं। ये देखिए, सुबह 10:15 और 10:30 के बीच में ठपाई हुई है, चेन खींचने की। पहले स्कूटी पे अंदर 3 चक्कर लगाए उन्होंने, दो लड़के थे छोटे उम्र के, 3 चक्कर लगाए चौथे, फिर उसकी चेन खींचने की कोशिश करी। पहले फिर गारमेंट कर गया है, उसने चेन जेब में डाल लिया, लेकिन वो फिर छीनने जाते गए। फिर वो कुर्सी से बचाव करने लगा, लेकिन उन्होंने उसने गोली चला दिया कट्टे से गोली चला के भाग लिया उधर पीछे को स्कूटी पे। हम एक बार फिर बता दें कि वो सिर्फ घायल हुए हैं रघुराम जो हैं इस गोलीबारी में। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।